आज हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर, इनमें से कौन सा ग्रेटर है, मतलब 2 के पावर 4 ग्रेटर है या 4 के पावर 2 ग्रेटर, हमें इनमें देखना है। तो 2 के पावर 4 क्या मतलब है, 2 इंटू 2 को कितने बार खोलना, 4 बार इंटू 2, और 4 के पावर तो क्या है, 4 इंटू 4, 4 के पावर 2 है तो 2 बार खुलेगा। अब 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, इसको हम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 16, और ये कितना आ रहा, और ये कितना 16, इट मीन्स 16 इक्वल टू 16, इनमें कोई भी बड़ा नहीं है, क्या दोनों बराबर है। देखो इनको सॉल्व करके आज 16 आ रहा है, वो इसको भी 16 आ रहा है, तो ये इसमें तो कोई भी बड़ा नहीं है, ठीक है, इक्वल है दोनों। तो नेक्स्ट पहला है माइनस 3 की पावर कितनी है, 4 है, पहले हम इसको ही कर लेते हैं। 3 की पावर 4 का मतलब है 3 को कितने बार मल्टीप्लाई करना, माइनस 3 को कितनी बार करना, 4 बार करना। देखो ये दोनों होंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, जब जब भी हमारे दो माइनस होंगे मल्टीप्लाई होगा बीच में तो प्लस हो जाता है, ये हो जाएगा 9, और यहाँ भी माइनस माइनस है तो ये हो जाएगा 9, ठीक है, +9, हम इसको लिखेंगे 81, ये हो जाएगा +81, ठीक है, साइन लगाने की जरूरत नहीं, 81 ही है। अब हमें दूसरा वाला हमारा का -4 की पावर कितनी है, क्यूब है, ठीक है, अब इसका मतलब 4 इंटू -4 इंटू -4, ओके। अब यहाँ देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई, माइनस माइनस मैंने कहा जब भी मल्टीप्लाई में माइनस माइनस को क्या हो जाता है, +16 हो जाएगा इंटू -4। अब यहाँ तो माइनस माइनस हमने कहा प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों जगह माइनस थे, यहाँ एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो जब मल्टीप्लाई में एक जगह प्लस होता है एक जगह माइनस, तो साइन हमेशा माइनस का जाता है। 16 फोर जा कितना होता, 6 फोर जा 24, 1 1 फोर जो 4 और 2 64 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में। अब देखो 81 ग्रेटर होता या माइनस 64, भाई 64 तो बहुत छोटा है, माइनस में है, ठीक है, तो ये है 81 इज ग्रेटर देन -64, 64 तो बहुत छोटा होता है, 1 से भी छोटा होता है, 0 से भी छोटा होता है, ठीक है, -1 भी बड़ा होता है 60, क्योंकि ये -64 है, ओके, ठीक है, सॉरी यहाँ पे, हाँ ओके।